नमस्कार मित्रों, जैसा पिछली कक्षा में मैंने प्रॉमिस किया था कि अगली कक्षा में कुछ नई बातों के बारे में हम जानेंगे, तो सामुद्रिक शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से, जिसमें बेसिकली हम हस्त पठन कर रहे हैं, यात्राओं के बारे में जान रहे हैं। आज के इस कक्षा का क्रमांक 24 है, यात्रा के योग या यात्रा की संभावना। यात्रा कैसी है? शारीरिक यात्रा जिससे हम पैदल चलते हैं, मानसिक यात्रा फिजिकली हम कहीं पर हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा, मस्तिष्क हमारा कहीं बाहर है, दूर। और एक है सामुद्रिक यात्रा, एक हमारी है हवाई यात्रा। आइए इन सभी यात्राओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यात्रा चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, किसी भी तरह की यात्रा हो, शारीरिक मानसिक सारी यात्राओं के लिए क्या योग हैं? अब यात्रा, हम उठ बैठ रहे हैं, रोज रूटीन के काम के लिए जा रहे हैं, वो यात्रा नहीं, वो रूटीन का काम है, उससे हटके चलिए क्या योग है? सबसे पहले जो चंद्रमा का पर्वत है, चंद्र पर्वत यदि अधिक विकसित हो, नॉर्मल पोजीशन हो, तो उस जातक जातिका के मन में, मस्तिष्क में, दिल में यात्रा की प्रबल इच्छा, उत्कंठा होती है। दूसरा, जीवन रेखा जो है, इस जीवन रेखा की कोई शाखा निकलकर यदि चंद्र पर्वत पर जाए तो भी ऐसे जातक जातिका यात्रा को पसंद करते हैं या उनके जिंदगी में यात्राएं होती हैं। एक और अगली बात क्या है, जीवन रेखा की कोई रेखा चंद्र पर्वत पर जाए और दूसरी रेखा शुक्र पर्वत पर जाए, इससे एक शुक्र पर्वत पर चले जाए, एक चंद्र पर्वत पर चले जाए, तो ऐसे जातकों को अक्सर यात्रा करनी पड़ती है। शनि रेखा, भाग्य रेखा मोटी हो और नीचे से आके मस्तिष्क रेखा पर रुक जाए और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद डिसजॉइन होके, अलग होके एक और शनि रेखा या भाग्य रेखा का उदय हो, एक और भाग्य रेखा आ जाए, तो ऐसे जातक भी, ऐसे जातिकाएं भी यात्रा के शौकीन होते हैं या इनको जीवन में अनेकों बार कई तरह की यात्राएं करनी पड़ती हैं। अब जो कलाई है, रिस्ट है, मणिबंध जहां पर रेखा होती है, वहां से निकलते हुए रेखाएं चंद्र पर्वत पर जाएं, ऊपर की ओर उठती हुई रेखाएं चंद्र पर्वत पर जाएं, तो वो भी मानसिक और हवाई यात्राओं का द्योतक है। इसी तरह ये जो चंद्र पर्वत पर, इस पर्वत पर अगर पड़ी हुई रेखाएं इस तरह की आ रही हो, तो ये शारीरिक, सामुद्रिक, सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि की यात्राएं बताते हैं। बहुत सारी रेखाएं इस चंद्र पर्वत पर, आड़ी तिरछी बहुत सारी रेखाएं, तो जातक मेंटली, दिमागी तौर से बहुत यात्रा करता है, इमोशनल यात्राएं उसकी होती। और इसी तरह यदि सूर्य पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह हो, चिन्ह हमने पिछले कक्षा में जाने थे, मछली का चिन्ह हो या बड़ा वर्ग हो, तो इनको भी सफल यात्रा प्राप्त होती है। और चंद्र पर्वत पर अगर आड़ी रेखाएं हैं तो ये छोटी या कम दूरी की यात्राएं, ये धीरे धीरे यात्राएं बताती है। चंद्र पर्वत विकसित हो तथा बुध की रेखा, जिसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, ये भी अगर स्पष्ट हो तो ऐसे जातक भी यात्रा करते हैं, वजह चाहे कुछ भी हो। एक और हृदय रेखा जो है, हृदय रेखा के पैरेलल कोई इस रेखा चल रही हो, समानांतर कोई रेखा चल रही हो, वो भी यात्रा की तरफ प्रेरित होते हैं, शौकीन होते हैं यात्रा का, उनको अक्सर मौका मिलता है। फिर जीवन रेखा, और जीवन रेखा निकलकर चंद्र पर्वत पर समाप्त हो जाए या चंद्र पर्वत तक जीवन रेखा जाए, वो भी यात्रा का एक सिम्टम है। और अंत में चंद्र पर्वत पर यदि मछली का चिन्ह हो तो सौभाग्य की यात्रा, धन की यात्रा, सफलता की यात्रा होती है। हथेली में बहुत सारे जाल हों, बहुत सारी छोटी मोटी बड़ी कटी फटी रेखाएं हों, तो मानसिक और परेशानी वाली यात्राएं होती है। यात्राओं की बातें इतनी ही, अगली कक्षा में हम फिर बात करेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नए विषय के साथ। आपसे पुनः अनुरोध,
कि आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ललित पंत को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स अवश्य करें, उनको शेयर भी करें, और आप चाहें तो आप मेरे नंबर 9818851137 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या मोबाइल पर डायरेक्ट, जैसा भी आप ठीक समझें। धन्यवाद।